कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन गैस की कमी के कारण लोग भारी परेशान हैं। ऐसे में क्षेत्रीय सांसद का जनता की मदद के लिए यहां होने में आक्रोश में है। इसी श्रृंखला में किसान एवं मजदूर समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मथुरा वृंदावन में सांसद तलाश के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं एवं पोस्टर एवं है सांसद हेमा मालिनी के फोटो के साथ लिखा है कि सांसद लापता बताने को उचित इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी ने बताया कि संकट की घड़ी में भी सांसद जनता के साथ नहीं है। जी ताराचंद जी, आज आपने जो पोस्टर लगाए हैं क्या कहेंगे, क्यों लगाए हैं? ये सांसद हेमा मालिनी जी हमारे मथुरा वृंदावन की सांसद हैं और वृंदावन में ही उनका निवास है। हमने इसलिए पोस्टर लगाए हैं कि सांसद मोहयादा को इस समय जो कोरोना महामारी का बीमारी का चल रहा है, इस समय आज उनको यहाँ रहना चाहिए। वो लापता हैं, किसी को ज़रूरत पड़ सकती है एम्स की, किसी को हॉस्पिटल की, कहीं भी किसी प्रकार की भी सांसद से ज़रूरत पड़ सकती है। सांसद महोदया आजकल मथुरा में है नहीं, लापता हैं। लोग बहुत से जो मरीज हैं उनके अभिभावक हैं वो ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए हमने ये पोस्टर लगाए कि हमारे यहाँ की जो सांसद हैं वह लापता हो चुकी हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति सांसद के लिए हेमा मालिनी जी के लिए बताएगा तो उसको हम लोग उचित इनाम देंगे। उनकी अनुपस्थिति में उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं या उनके कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे संपर्क? पर्सनल से क्या मतलब है, सांसद सांसद होता है, क्योंकि जो चीज़ उनके हस्ताक्षर से जाएगी या उनको एक एडवाइजर जारी करना था, उनको ये सूचना देनी थी, यदि मैं नहीं हूँ यहाँ पर तो मैं अपना एक प्रतिनिधि चुन के जा रही हूँ, इनको पावर दे के जा रही हूँ, अथॉरिटी दे के जा रही हूँ, यदि किसी की भी किसी को ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की मरीज की, रोड की, पानी की और समस्याओं की, तो ये इस कार्य को पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति, कोई भी प्रेस जारी नहीं की है। आज आपने ये पोस्टर कहाँ कहाँ चिपकाए हैं? हम लोग देख रहे हैं, आप ये परिक्रमा मार्ग है, बिहार घाट है, जुगल घाट है, इमली तला है, जगह जगह देख रहे हैं। यहाँ भी हमने लगाया है, यहाँ भी लगाए, आगे भी लगाए और सारी जगह लगाए, मथुरा में भी लगाए।